हेलो स्टूडेंट्स अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव योर इंग्लिश एजुकेटर जैसा कि हमने पढ़ा था शुरुआत की थी रेनबो के पोइट्री सेक्शन से तीन पोइम के बाद में हमने चौथी पॉइम ली जो कि द सेवन एजेज ऑफ मैन सेवन एजेज ऑफ मैन मनुष्य की सात अवस्थाएँ और विलियम शेक्सपियर इसके पोएट है कवि है आपको मैंने पोएट के बारे में बताया और साथ ही साथ उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उससे रिलेटेड उनकी राइटिंग्स उनकी जो भी प्लेज सोनेट्स पोइम्स उनके बारे में बताया और जो भी कीवर्ड्स थे जो भी मीनिंग वर्ड मीनिंग वर्ड्स मीनिंग थी वो आपको बताई और अब इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं पूरा ध्यान देंगे और शुरुआत में हम चलते हैं जैसा हमारा रूटीन है उसके अकॉर्डिंग पूरा ध्यान रखेंगे आप मनुष्य के जीवन की जो सात अवस्थाएं हैं कौन सी सात हैं उसके बारे में आपने पहले तो बताया ही है विस्तृत आज पढ़ते हैं हम देखिए सबसे पहले आइए हम शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले जो वर्ड्स दिए गए थे उसके बारे में बात होती है तो सबसे पहले देखें मैंने आपको कौन कौन से वर्ड्स दिए थे एक तो था चालीस मींस फोर्टी चौदह इसके लिए था फोर्टीन ठीक है इस टाइप से आ, आपको ये वो शब्द हो गए फोर्टी एंड अ और दूसरे जो आपके लिए शब्द जो मैं बताने जा रहा हूँ कि उससे रिलेटेड अपने जो पूछे गए थे ऑथर और राइटर उसके नेरेक्टर के बारे में हमने बता ही दिया था कि ऑथर क्या होता है डायरेक्टर क्या होता है इसको लेकर के बातचीत हुई थी आ, उसको लेकर ट्रबल और टेरिबल की जो बात थी तो ट्रबल जो थी ट्रबल मीन्स मुसीबत और इसको डिफिकल्टी भी बोलते हैं ठीक है दूसरा था टेरिबल भयानक एक प्रकार से हॉरिबल ठीक है टेरिबल एक प्रकार से हॉरिबल, भयानक और ये आपके वर्ड जो भी वर्ड्स पूछे थे उसके मीनिंग को लेकर के और नेक्स्ट के लिए में लास्ट में हम पढ़ेंगे बढ़ते हैं हम अपने पोइम का हिस्सा जो है उसको लेकर के द सेवन एज ऑफ मैन बाई विलियम शेक्सपियर तो पहले आप देख लें सात अवस्थाएं कौन सी बताई हैं विशेष ध्यान देना है आपको याद है सात अवस्था मैंने बताई याद है लिखिए बताइए मुझे कौन कौन सी है आप भी उसमें मेंशन करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उससे पहले आप देखें कौन किस किस को याद है तो वो उसमें बताए सबसे पहले इन्फेंट शिशु ठीक है मीन्स बेबी कहने का अर्थ न्यूली बॉर्न चाइल्ड सेकेंड वॉज स्कूल बॉय विनिंग स्कूल बॉय सेकेंड जो विनिंग स्कूल बॉय मतलब क्राइंग कंप्लेनिंग कम्पलेनिंग रोता चिल्लाता शिकायतें करता हुआ ऐसे मतलब नहीं जाऊंगा इस टाइप से कहता हुआ विनिंग स्कूल बॉय थर्ड बॉज एज ए लवर फोर्थ स्टेज एज ए सोल्जर ये हमने जो पढ़ा उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसका इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दिया था डेन जस्टिस एंड पैंटलोन जिसको मौकर भी बोला जाता है और देन लास्ट स्टेज ओल्ड एज सेकेंड चाइल्डनेस जिसको कहा गया सेकेंड चाइल्डनेस ये सात अवस्थाएं बताई गई देखिए इनफंट स्कूल बॉय लवर सोल्जर जस्टिस पेंटलोन ओल्ड एज सात अवस्थाएं ये है जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं सात अवस्थाओं को लेकर के भी प्रश्न पूछते हैं और दूसरा आ, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज जो है इसके फीचर्स इसको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका वो भी पूछते हैं तो हमारे को दोनों चीज़ें याद रखनी है सेवन एज जो मेन से प्रश्न हंड्रेड परसेंट पूछा जाएगा ध्यान दें बढ़े आगे बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं इतना बढ़िया तरीके से कि वर्ड जो भी इसके अंदर वर्ड्स है उसका मीनिंग आपको बताया है जो भी प्रश्न बन रहा है उसका बताया है एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो दोनों में कर रहा हूँ फॉर बहुत मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कंपल्सरी इंग्लिश आर बढ़े आगे अब इस पोएम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसमें देखिए कि कवि क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर ने मनुष्य के जीवन को सात अवस्थाओं में बांटा है और सात अवस्थाएं कौन सी है वो आपको बताइए अब उसका फुल यहां पे पूर्ण रूप से कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज पूरा संसार एक रंगमंच है कवि कहता है कि पूरा संसार क्या है पूरा संसार एक रंगमंच है स्टेज है जिस प्रकार से स्टेज होता है स्टेज पे जा करके रोल प्ले करते हैं उसी प्रकार से इस संसार को इस संसार को एक स्टेज माना है ये कवि कहता है विलियम शेक्सपियर कि संसार एक स्टेज है जैसे स्टेज होता है स्टेज पे लोग आते जाते हैं रोल प्ले करके चलेते चले जाते उसी प्रकार से ये संसार है इस संसार में व्यक्ति का एंट्रेंस होता है मतलब जन्म होता है एग्जिट होता है मतलब उसकी मृत्यु के बाद में उसका प्रस्थान होता है तो प्रवेश और प्रस्थान और लेकिन इस दौरान बीच में वो क्या करता है अपना रोल प्ले करता है अलग अलग टाइप से रोल प्ले करता है और उस रोल को विलियम शेक्सपियर ने सात अवस्थाओं में बांटा है ऑल एंड ऑल और ऑल यानी सभी द मेन जितने भी आदमी एंड वीमन विमेन यानी औरतें जितने भी आदमी औरतें हैं मियरली प्लेयर्स की जितने भी सभी जो भी स्त्री पुरुष सभी स्त्री पुरुष केवल इसके पात्र मात्र है पात्र मात्र है मेरल यानी केवल कि ये संसार तो एक रंगमंच है और जितने स्त्री पुरुष है वो तो क्या है केवल इसके पात्र है कैरेक्टर्स है प्लेयर्स है इसका रोल प्ले करने वाले हैं प्लेयर्स मीन्स पात्र कैरेक्टर्स रोल प्लेयर्स एक प्रकार से कैरेक्टर्स नाटक में कैरेक्टर्स होते हैं ना पात्र आपके लिखा हुआ होता है जब भी नाटक होता है उससे शुरू में लिखा होता है कि इसके पात्र कौन कौन है उस टाइप से एक होता कैरेक्टर चरित्र कहते हैं ना थोड़ा सा ध्यान रखना है दे हैव देर एग्जिट एंड देर एंट्रेंसिस एग्जिट हो गया निकास कि ये इनका तो निकास होता है कहने का प्रस्थान करते हैं और एंट्रेंस यानी प्रवेश होता है तो पहले प्रवेश होता है फिर निकास होता है तो उन्होंने मतलब आना जाना लगा रहता है आदमी की का जन्म होता है जन्म के रूप में वो छोटे बच्चे से लेकर के विभिन्न भूमिका निभाता है और अंत में ओल्ड एज होते हुए फिर वापस प्रस्थान कर जाता है इस दौरान वो बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है तो कवि कहता है विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि दे मीन वे वे कौन मैन एंड वीमे आदमी और औरतें उनका क्या होता है एंट्रेंस होता है उनका प्रवेश होता है कहने कहा तो इस संसार में जन्म लेते हैं रोल प्ले करते हैं और इसके बाद में एग्जिट हो जाते हैं निकास हो जाता है प्रस्थान कर जाते हैं कहने कहा तो उनकी डेथ हो जाती है मृत्यु हो जाती है एंड वन मैन इन हिज टाइम एक आदमी अपने इन टाइम इन्स लाइफ हिस्ट्री उसका पूरा जो जीवन है उसका जो भी जितने ईयर का हो तो उसमें वो क्या करता है कि वन मैन एक आदमी इन टाइम अपने समय में अपनी जीवन में प्लेज रोल प्ले करता है मैनी पार्ट्स अलग अलग भूमिकाएं निभाता है वो क्या करता है अलग अलग पार्ट्स इस प्रकार अलग अलग रोल अलग अलग एक्ट्स इस टाइप से वो प्ले करता है एक समय में कहने का पूरे जीवन काल में एक पूरे जीवन काल में मनुष्य अलग अलग भूमिकाएं प्ले करता है उसको निभाता है तो इसको देखिए कभी क्या कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमन मेयरली प्लेयर्स दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज एंड वन मैन In his time, plays many parts. Next, his acts been seven ages. At first, the infant, mewling and puking in nurse's arms; then the whining schoolboy, with his satchel, and shining morning face, creeping like a snail. Unwillingly to school. Then, and then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like Bard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel. Seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly, with good cap on line, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instincts, and so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon With spectacles on nose and pouch on side His youthful hose well saved world too wide His song sank and his manly voice Turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound. Last scene of all, last scene of all that ends this eventful, strange eventful history. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Some teeth, some eyes, some taste. Everything means, sense, eyes, sense, teeth, sense taste and sense एवरीथिंग देखिए किस प्रकार से इसको वापस आपको शुरुआत से थोड़ा सा ताकि ये इसमें था और फिर हमने यहां पे पढ़ा कि किस प्रकार से ये रोल प्ले करता है बढ़ते हैं हिज एक्स उसकी कार्य एक्स मीन्स कार्य बींग सेवन एजिस कवि कहता है कि ये संसार एक रंगमंच है और आदमी और औरतें जिनका भी जन्म होता है वो तो केवल प्लेयर हैं अपना रोल प्ले करके इस संसार रूपी रंगमंच पर स्टेज पर अपना रोल प्ले करके चले जाते आते जाते हैं एड इज फर्स्ट द इन्फेंट तो वो कहते हैं कि उसके अलग अलग रोल है अलग अलग रोल हैं और वो कितने हैं सात अवस्थाओं में बताए हैं कि इनके सात प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं अवस्थाएं हैं और फर्स्ट है इन्फंट शिशु सबसे पहली अवस्था कौन सी बताइए शिशु इधर देखिए ये चित्र जो बनाया हुआ है और ये क्या कर रहा है देखिए जैसे रो रहा है तो इसका अर्थ क्या हो गया म्यूलिंग मींस क्राइंग रोना प्यूकिंग वॉमिटिंग आपको मैंने बताया था वैसे वर्ड मीनिंग पहले आपको एक्सप्लेन ये कर चुका हूं देखिए यहां पे ध्यान रखना है ये थोड़ा एक्सेप्शन में है हम जब आ, टी का जो है ना लास्ट वर्ड जैसे वामिट लिखते हैं ना वामिट तब क्या है जब से लास्ट होता है आई लगाते हैं तो जो लास्ट में आ, जो भी कंजक्शन दिया सॉरी कॉन्सोनेंट दिया उससे पहले यदि वोवल हो तो लास्ट में टी होकर डबल टी हो जाता है आई लगाते हैं तब ठीक है तो लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में है ये इसलिए आ, इस रूप में दिया है तो वॉमिटिंग उल्टी करते हुए म्यूलिंग मीनस क्राइंग रोनाटिंग एंड इन नर्सस आर्म्स जो धाए माँ होती है यानी सबसे पहली स्टेज कौन सी है इन्फेंट की इन्फेंट यानी शिशु शिशु क्या होता है नर्स यानी धाए माँ के हाथों में रोता है उल्टियां करता है इस प्रकार से ये शुरू का तो अब उसमें छोटा सा आलंकी कि जो इन्फंट है उसकी विशेषता क्या है कि म्यूलिंग एंड प्यकिंग इन द नर्स आर्म्स ये याद रखना आपको देन द वाइनिंग स्कूल बॉय वाइनिंग स्कूल बॉय वाइनिंग मीन्स कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग शिकायतें करता हुआ मीन्स कहने का अर्थ हो गया ग्रम्बलिंग शिकायतें करता हुआ बड़बड़ाता हुआ स्कूल बॉय विद्यालय छात्र के रूप में जब स्कूल जब बच्चे को भेजते हैं आपको ध्यान नहीं रोता नहीं जाऊंगा रोता भी है मानसा मेरे को सर पीटेंगे वो इस टाइप से कई बातें ऐसे करता है होता है कि नहीं तो देन वाइनिंग स्कूल बॉय विथ सैचल सैचल क्या होता है बैग फॉर कैरिंग बुक्स किताबें ले जाने के लिए हमारा बैग होता है तो वो बैग लिए हुए और साथ ही साथ बहुत ही शिकायतें करते हुए वो जाता है एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है कि जैसे सुबह का समय होता है प्रभात का समय होता है उस समय कितना एक प्रकार से ग्लो रहता है हमारे एटमोसफियर में ड्यू टू सनराइज़ तो उसी प्रकार से उसका चेहरा जो है फेस भी कैसे प्रभात की तरह चमकता हुआ इस प्रकार से वो जाता है क्रिपिंग रेंगते हुए क्रीपिंग वॉकिंग स्लोली धीरे धीरे चलते हुए और लाइक like स्नेल और कैसे चलता है लाइक स्नेल घोंगे की तरह कछुए की तरह धीरे धीरे चलता है जो घोंगा होता है स्नेल जिसमें से सीपी निकलता है अनविलिंगली टू स्कूल देखिए अनविलिंगली मतलब अगेंस्ट हिज विश अपनी कामना इच्छा के विरुद्ध बिना इच्छा अनिच्छा से अनिच्छा से स्कूल जाता है छोटा बच्चा तो आपको देख यानी कोई भी हो छोटे बच्चे हैं बस नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा सर पीटेंगे होमवर्क अधूरा है इस टाइप मतलब डंडे मारते हैं न्यू मतलब एक प्रकार की बात लेकिन हालांकि आजकल तो काफ़ी इस टाइप से टेक्नोलॉजी भी हो गई और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और स्कूल्स में बहुत अट्रैक्टिव इफेक्टिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाता है तो इसलिए तो अनविलिंगली टू स्कूल ये सात अवस्थाएं बता रहे हैं तो पहली कौन सी इन्फेंट सेकेंड में स्कूल बॉय स्कूल बॉय की विशेषता क्या है तो देखना यहाँ पे ध्यान विथ अ एंड साइनिंग मॉर्निंग फेस लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल अनिच्छा से वो विद्यालय जाता वापस देख लीजिए सेकेंड स्टेज जो है फैस तो मैंने बता दी कि एट फर्स्ट शिशु के रूप में जब वो रोता है उल्टियाँ करता है और नर्स के हाथों में रहता है देन द वाइनिंग स्कूल बॉय उसके बाद में वो Means grumbling, complaining, करता हुआ रोता हुआ बैग लिया हुआ एंड uh, हुआ चेहरा क्रीपिंग लाइक स्नेल घोंगे की तरह रेंगता हुआ धीरे धीरे और अनविलिंगली टू स्कूल अन्य से स्कूल जाता है ये सेकेंड स्टेज बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टेज एंड देन द लवर लवर हो गया प्रेमी लवर यानी प्रेमी तो प्रेमिका को क्या कहते हैं बिलवेड प्रेमिका तो उसके बाद में वो अपनी जो प्रेमिका होती है उस तीसरी स्टेज दिए एज अ लवर प्रेमी के रूप में उसकी विशेषताएं क्या दी है देखिए साइंग लाइक फर्नी साइंग मतलब आह भरना वो आहे भरता है अपनी प्रेमिका की यादों में लाइक फर्नेस भट्टी कैसी होती है भट्टी में आग हीट होती है ना गर्मी वैसी गर्मी युवाओं में जोश है लेकिन होश नहीं उस प्रकार से तो उस समय युवा अवस्था में उसको किसी से अपनी प्रेमिका से जो प्रेम होता है तो वो आहें भरता है प्रेमिका की याद में उसकी याद में आहें भरता है कैसे भट्टी की तरह विथ ए वो फुल और विरापूर्ण गीत गाता है सैड सॉन्ग सुनता है ऐसे उदासी भरे गीत सुनता है प्रेमिका की यादों में मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो और क्या करता है अपनी प्रेमिका की सुंदरता में मिस्ट्रेस आईब्रो प्रेमिका की आईब्रो मतलब वो है यहां इसका अर्थ है कि अपनी प्रेमिका की सुंदरता की प्रशंसा में वो विरहपूर्ण गीत गाता है आहें भरते हुए प्रेमिका की याद में ये इसमें देखिए ये लाइन याद रखनी है इसमें क्योंकि जो लवर की विशेषता है इसमें कि जो एंड द लवर थर्ड स्टेज है एन स्कूल बॉय लवर तीसरी स्टेज जो है थर्ड पे ये तो इसमें एंड देन द लवर साइंग लाइक बट्टी की तरह भरते हुए विथ ए वो फुल विरहपूर्ण गीत गाते हुए मे टू तो इज मिस्ट्रेस आईब्रो और अपनी प्रेमिका का सुंदरता जो है उसको याद करते हुए उसकी प्रशंसा में विरह वेदना के गीत गाता है वो जिसको वो फुल बैलट कहते हैं ये वो फुल मतलब सैड बैलट होता है सॉन्ग सैड सॉन्ग जिसको कहते हैं सैड सॉन्ग जो गाता है वो फुल बैलट सैड सॉन्ग जो इस प्रकार से उसको उसकी कमी एक प्रकार से याद आ रही है इसलिए बढ़ते है नेक्स्ट देन अ सोल्जर ये आ गई फोर्थ स्टेज सोल्जर क्या होता है सैनिक और जो सैनिक है देखिए कैसे अप टू तो डेट सैनिक की बात आती है आपको भी एक मिनट जोश आ जाता है सैनिक को देखते ही जोश आ जाता है कि हाँ तो उसके बाद में सैनिक फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स और इस समय वो क्या है कि स्ट्रेंज ओथ्स अजीब प्रकार की सौगंध कस्मे खाता है इस टाइप से वो ओथ लेता है शपथ लेता है विचित्र प्रकार की और एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड उसकी जो दाढ़ी होती है तेंदुए की तरह इसलिए देखिए आप कहेंगे कि सेना में दाढ़ी रखने नहीं देते हैं तो रूल्स रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू रिलीजन रखते भी हैं और जो वेस्टर्न कंट्री क्योंकि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ थी और आज भी है इसलिए तेंदुए की तरह दाढ़ी इस टाइप से रखते हैं सैनिक इसलिए कहा बेडे लाइक द पार पार मीस लेपार्ड पेंथर तेंदुआ तो उस तेंदुए की तरह एक प्रकार से उसकी दाढ़ी इस टाइप की दाढ़ी है लाइक शब्द यूज है एज ए सिमिली यानी जो रूपक अलंकार आदि होते हैं ना उस रूप में जेलस इन ऑनर ये सोल्जर की विशेषता है जेलस इन ऑनर ऑनर सर जो भी उसकी प्रेस्टीज रेप्यूटेशन आदि है सम्मान में ईर्ष्यालु सम्मान पाने के लिए अपने ऑनर को पाने के लिए वो ईर्ष्यालु होता है जेलस होता है जेलसी एशिया सडन एंड क्विक क्वारल और सडन अचानक से जल्दी से फुर्ती से और वो क्या लड़ाई के लिए क्वार यानी झगड़ा करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा के लिए वो तुरंत ही झगड़े को तत्पर हो जाता है तैयार हो जाता है सैनिक सीकिंग मतलब टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए सीकिंग प्राप्त करने के लिए क्या बबल रेपुटेशन बबल यानी बुलबुला रेप्युटेशन यानी जो भी मान सम्मान क्षणभंग जो भंगुर पल भर की मान प्रतिष्ठा के लिए वो किसी भी पल अचानक से लड़ाई करने को तैयार हो जाता है इवान इन कैनन्स माउथ और यहां तक कि उस पल भर की मान प्रतिष्ठा के लिए मान सम्मान के लिए वो तोप के मुंह में जाने को तैयार कैनन जो तोप होती है उसके मुंह में जाने कहने का अर्थ अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने को मरने के लिए तैयार रहता है सैनिक को लेकर के ये हमारी फोर्थ स्टेज में तो इसको क्योंकि ये थोड़ा इसमें बड़ा है इसका सवाल पूछा गया है बोर्ड में कई बार कि जो सोल्जर होता है उसकी फीचर्स क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो उसमें तो इसको लेकर के स्पेशली ध्यान दीजिए कि फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑक्स होता है अजीब उसको विचित्र प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है और साथ ही साथ बेडेड लाइक like द पार्ड तेंदु की तरह उसकी दाढ़ी आदि होती है जेलस इन ऑनर सम्मान के लिए ईर्ष्यालु होता है सडन एंड क्विक इन क्वार लड़ने के लिए तुरंत ही तैयार वर्ड्स इसके जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग मैंने पहले आपको पूरी अच्छी तरीके से नेक्स्ट जो पहली की पहली की क्लास उसमें बता दिया है इसलिए अभी तो आपको एक्सप्लेन पूरा भी एक्सप्लेनिंग हो रहा है यहाँ पे ध्यान रहना सिकिंग द बबल रेप्यूटेशन और क्षणभंगुर पल भर की उस रेप्यूटेशन प्रतिष्ठा के लिए वो अपने आप को तोप के मुंह में भी तैयार रखता है जाने के लिए कि मैं तोप के सामने जा कर के मरने को तैयार हूँ इस रूप से ये सैनिक की विशेषताएँ बताई है बढ़ते हैं हम आगे एंड देन द जस्टिस फिफ्थ एज आ गई देखिए उसके बाद में फोर्थ इसके बाद उसके बाद फिफ्थ उसके में रोल आता है जस्टिस का न्यायाधीश का ये न्यायाधीश बैठे हैं इधर किस रूप में और इंग्लैंड की विशेषता बताई उन्होंने इंग्लैंड में न्यायाधीश जो है ना किस टाइप से रोल प्ले होता है उसको लेकर के क्योंकि कुछ इसमें बातें ऐसी कही है इसलिए मैं कह रहा हूं इन फेयर अराउंड बेली गोल मटोल पेट उनका जो अब पेट है वो कैसा है गोल मटोल विथ गुड कैपॉन लाइन ये होते हैं मेल चिकन कैपॉन क्या होता है मेल चिकन मुर्गे का मोटे ताजे मुर्गे का मांस भरा हुआ पेट में ऐसा बता रहे विथ आइज सीवियर एंडेट ऑफ फॉर्मल कट तो यहां पे गुड कैपॉन लाइन इसलिए कहा क्योंकि इन इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर जजेज टुक ब्राइब फॉर द डिसीजन ये ऐसा उन्होंने लिखा है उस समय की जो भी उनकी ट्रेडिशन थी परंपरा उस पर उन्होंने एक प्रकार से यहाँ पर व्यंग्य दिया है क्योंकि देखिए कि जब भी न्याय करते थे तो वो क्या करते थे वहाँ पर न्यायाधीश ब्राइब के रूप में मुर्गे का मांस लेते थे मुर्गे इस टाइप से वो ले लेते थे तो उसको लेकर के उन्होंने एक व्यंग्य कसा था उस हिसाब से बताया है और जनरली क्योंकि न्यायाधीश का काम तो क्या निष्पक्ष न्याय करना होता है किसी के पक्ष में वो काम नहीं करते जो भी निष्पक्ष सत्यता के है उसको लेकर के लेकिन ये बात उन्होंने इसीलिए कही है कि फेयर राउंड बेली गोल मटोल पेट्स और चूजे जो चूजे हैं उनके पेट में भरे हुए और अवि आई सीवियर जो आँखें दृष्टि है वो बिल्कुल सीवियर गंभीर एकदम एकटक स्थिर रूप में एंड बियर ऑफ फॉर्मल कट फॉर्मल कट की उनकी दाढ़ी होती है जो जनरली सामान्य कट जो लगा करके वहां की जो विशेषता है उसके अकॉर्डिंग दाढ़ी उनके बनाई हुई and wise और साथ ही साथ वाइस मतलब वाइस से प्रोवर्ब्स जो भी कहावतें कथन हैं, दृष्टांत हैं, उसको वो क्या करते हैं मॉडर्न इंस्टेंस आधुनिकता के भरे उदाहरण देते हुए बहुत सारी बातें वो वर्तमान जो कानून आदि है उनसे रिलेटेड वो जो आधुनिकता से बड़े उदाहरण देते हुए न्याय न्याय करते हैं अपने निर्णय देते हैं बातें करते हैं ये न्यायाधीश की विशेषता बताइए एंड सो ही प्लेज इज पार्ट और इस प्रकार से जस्टिस अपना रोल प्ले करता है सात अवस्थाओं में पांचवी अवस्था कौन सी जस्टिस की न्यायाधीश की न्यायाधीश की विशेषताएं क्या है तो फेयर राउंड बेली है गुड कैप ऑन लाइन आई सेवियर एंड फॉर्मल कट फॉर्मल कट की दाढ़ी है फुल ऑफ वाइस बहुत ही अलग अलग कहने का अर्थ वाइस से इस प्रकार से बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से भरी हुई बातें करते हुए और आधुनिकता के दृष्टांत देते हुए उदाहरण देते हुए इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल्स देते हुए एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट और वो अपनी भूमिका निभाते हैं कौन जस्टिस कौन सी एज फिफ्थ एज पांचवी एज के बारे में बताया आगे बढ़ते हैं दिक्कत एज बाद में आती है छठी एज ठीक है छठी एज कौन सी आती है देखिए इन टू द लीन दुबला पतला स्लीप चप्पल पहने हुए पेंटलून यानी एक प्रकार से मस्खरा मस्खरा जो होता है जो मोकर का रोल करता है ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये इस टाइप की हंसी मजा का रोल होता है ना जोकर टाइप का क्योंकि ये जाती है उसमें आदमी की स्थिति यही हो जाती है शर्ट कई बार क्या होता है कि एक बाहर तो फुल यहाँ पे फुल है और दूसरी शॉर्ट की हुई आधी एक ही खुल रही और बटन पर पता नहीं चलता और कई बार शर्ट आदि भी हो इस टाइप से उल्टा भी हो जाए पहना हुआ इस टाइप की स्थिति हो जाती है क्योंकि एज का एज का असर पड़ता है वो कोई उनको ये ध्यान नहीं रहता कि क्या मैंने किया है फिर कोई देखता है तो कहते हैं तो ऐसी बहुत सारी स्थिति हो जाती है कहने का तो वो एक पुलिस पर्सन टाइप पुलिस ओल्ड मैन की तरफ इस टाइप की एज हो जाती है उस समय तो वो एज आती है और वो स्लीपर्ड पेंटलोन की होती है ये एज है सिक्स एज और इसमें होता क्या है विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज आंखों पर चश्मा और इस्पेक्टिकल जो होता चश्मा इस प्रकार से तो यहां पे जो आंखें आईज जो होती हैं यहां पर एक प्रकार से जो चश्मे के ऊपर जो कांच होता है गोल टाइप टाइप इस से पे आंखों के नीचे का जो है थैली बन जाती है एंड पाउच ऑन साइड और साइड में क्या होती है जो चमड़ी होती है वो पाउच थैली थे, होती है ना पाउच उसकी तरह लटक जाती है चमड़ी ओल्ड एज ड्यू टू ओल्ड एज एज के कारण और हिज यूथफुल ओज और क्या होता है कि युवावस्था के युवावस्था के यूथफुल के, के तो जो यूथ एज थी उस समय के जो उनके हॉज यानी सॉक्स जो होते मोजे तो युवा अवस्था में जब वो जो मोजे पहनता था तो उस समय तो सीधी सी बात एकदम फिट होंगे युवा अवस्था में बॉडी अच्छी इसलिए वेल सेव्ड और वो मोजे जो उसने अभी भी सुरक्षित रखे हैं वेल सेव्ड करके रखे हैं अच्छी तरीके से बचा करके सेव कहने का सुरक्षित रखे हैं वो मोजे वर्ल्ड टू वाइड वो क्या हो गए हैं अब ढीले हो गए हैं या वर्ल्ड टू वाइड इसका अर्थ ये नहीं कि संसार चौड़ा हो गया कहने का अर्थ है वो मोजे उसके ढीले पड़ रहे हैं युवा अवस्था में फिट हो रहे थे अब एज ओल्ड हो गई है तो क्योंकि पैर जो है पैरों में सिकुड़न आ गई है क्या हो गया है फॉर इस श्रंक सैंक श्रंक यानी इस श्रंक का अर्थ है सिकुड़ जाना एक प्रकार से नेरो हो जाना इस टाइप से और सेंक यानी द पार्ट ऑफ बिटवीन एंकल एंड नी हमारा जो घुटना और हमारा जो टखना ये जो है ना इनके बीच में घुटने और टखने के बीच का हिस्सा पिंडली जिसको कहते हैं वो कैसी हो गई है सिकुड़ गई है सिकुड़ गई, गई है तो मोजा है वो ढीला हो गया पहले टाइट था क्योंकि एज है वो ओल्ड एज हो गई इस कारण से तो इसलिए इस रंग से एन हिज बिग मेनली वॉइस और जो आवाज़ क्योंकि आप जब युवा अवस्था में आपकी आवाज़ मोटी होती है होती है ना हमारी आवाज़ हमारी मोटी होती है बोलते हैं तो थोड़ा उसमें और क्लियर भी आती है आवाज़ नीट एंड क्लीन भी होती है लेकिन वो टर्निंग अगेन टूअर्ड चाइल्डि ट्रेबल पाइप और धीरे धीरे वो आवाज़ ट्रेबल पाइप की तरह जैसे चाइल्डिस्ट ट्रेबल पाइप बच्चा जो बोलता है कैसे सिटी बजाते हुए विस्लिंग टाइप से होता है उस प्रकार से विशल्स इन हिज साउंड जैसे ही बोलता है तो ऐसे कि उसके मुंह से जैसे सिटी बज रही हो ऐसे आवाज़ निकलती है इस प्रकार की एज हो जाती है ये एज है सिक्स एज ध्यान दें वापस काफ़ी इसके बारे में बोला गया है सिक्स एज में क्या होता है लीन एंड स्लीपर पैंटलून हो जाता है दुबला लीन यानी दुबला पतला शारीरिक रूप से थिन और स्लीपर पहन चप्पल पहने हुए क्योंकि उस समय एज इस टाइप से तो फिटनेस के तौर पे शूज वगैरह कम यूज करते हैं और स्लीपर पैंटलून विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज और आंखों पर चश्मा भी साथ में साइड में नीचे थैली ऐसे लटकी हुई पाउच ऑन साइड यूथफुल ओज और युवावस्था के जो तो शौक थे मोजे उसने जो बचा कर रखे थे वर्ल्ड टू वाइड वो भी क्या है ढीले पड़ गए हैं वो फिट नहीं हो रहे हैं दुबलेपन के कारण इस लीन के कारण फॉर हीज श्रंक सेंक उसके अपनी पिंडलियों के लिए वो मोजे अब ढीले पड़ गए हैं एंड इज बिग मेनली वॉइस और उसकी जो मर्दाना आवाज मेनली वॉइस जो मर्दाना आवाज़ है वो मर्दाना आवाज़ एक सीटी पाइप की तरह धीरे सीटी की तरह पतली बिल्कुल ही छोटे बच्चे की तरह हो गई है तो सीधी सी बात है शरीर जो है ना हमारा जो शरीर है वो जैसे जैसे मशीन यूज़ होती जाती है तो धीरे धीरे तो डाउन ही होती है जैसे टेस्ट आदि की बात आगे हम करते हैं तो लास्ट सीन आ रहा है तो उस समय हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं वो तो इस टाइप से स्थिति हो जाती है नेक्स्ट में देखिए लास्ट सीन ऑफ ऑल यहाँ आ रहा है लास्ट सीन ऑफ ऑल मीन्स सेवंथ स्टेज सात अवस्था में बताइए सातवी आ रही है और इसमें क्या लास्ट ऑफ ऑल सबसे अंतिम दृश्य हाथ में लकड़ी लेने की भी आवश्यकता पड़ जाती है और बाल वगैरह आपको पता ही है वान खेड़े स्टेडियम में जैसे घास गायब हो जाती है वान खेड़े स्टेडियम में घास नहीं है तो बीच बीच में गायब है तो उसी प्रकार से हमारे भी है वो ये घास गायब हो जाती है कहने का अर्थ बाल

और दूसरा बचपन कहने का कहा गया है एंड मेयर अब्लिवियन मेयर यानी केवल अब्लिवियन अब्लिवियन हो गया विस्मृति लॉस ऑफ सेंस विस्मृति जिसमें हमारे को क्या है सब कुछ भूल जाना विस्मृति हो जाती है ओल्ड एज में मेमोरी वगैरह क्या क्या चीजें देखिए सौ टीथ सौ मीन्स इसको सौ पढ़ा जाएगा सेंस भी पढ़ते हैं सौ टीत मतलब दांत खो देता है सेंस आइज मीन्स आंखों की रोशनी चली जाती है सेंस टेस्ट टेस्ट मतलब स्वाद स्वाद चला जाता है सेंस एवरीथिंग सब कुछ खो देता है कहने का आप क्या है जब बच्चा छोटा होता है उसको आप टेस्ट कराइए बिल्कुल जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड वो बता सकता है कि क्या टेस्ट है नहीं तो बुढ़ापे में मशीन घिस गई घिस घिस करके बिल्कुल ऐसी होगी वो पता ही नहीं चलता है खट्टी मिट्टी कड़वा कुछ पता ही नहीं चलता है आँखों की रोशनी चली जाती है छोटे बच्चे की तरह बाल आपको ध्यान है जैसे शुरू में थे वैसे लास्ट स्टेज में हो गए उसी प्रकार से जो बात आती है कानों की हियरिंग की तो वही सुनने में असमर्थ बोलने में असमर्थ बच्चे की तरह पाइप सीटी की तरह आवाज़ आ जाती है और मेमोरी जो है यादाश्त बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है पता नहीं कौन कौन है खड़े रहने में क्योंकि शरीर में ताकत होती नहीं है ये सब चीज़ें सब कुछ इस टाइप से हो जाता है और ये लास्ट सीन आता है जिसको दूसरा बचपन कहा गया है फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज सेम होती है ये स्थिति बन जाती है और इस प्रकार से सेंस एवरीथिंग और इस आदमी का क्या हो जाता है प्रस्थान हो जाता है, है तो ये सात अवस्थाएं हमने इसमें पढ़ी एक बार वापस इधर ध्यान दे दीजिए कौन कौन सी है ध्यान दें यहां से हमने शुरू किया था ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज पहली जो अवस्था थी वो हमने जिस प्रकार इसने बताया कि सात अवस्थाएं हैं ये पूरा संसार क्या है एक स्टेज है पूरे संसार को एक स्टेज माना है और इसको लेकर के कभी छोटा प्रश्न पूछते हैं कि कभी ने संसार को क्या माना कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज अकॉर्डिंग टू द पॉइट और जो मैन एंड वुमेन है वो क्या है मेनली प्लेयर्स हैं उनका एंट्रेंस एग्जिट आदि की बात कही और सबसे पहले जो बात कही तो इन्फेंट के रूप में शिशु के रूप में उसके बाद में विनिंग स्कूल बॉय के रूप में बात की जो कि स्नेल की तरह जाता है नेक्स्ट में जो थी एज उसमें थर्ड स्टेज जिसमें एज ए लवर प्रेमी के रूप में यहाँ पे आपको जनरली चित्र हमने दिया है तो प्रेमी के रूप में वो अपनी प्रेमिका को याद करता है और उसकी विशेषताएं बताई नेक्स्ट में देखिए उसके बाद में एज सोल्जर सैनिक के रूप में पूरी विशेषताएं इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताइए चित्र सहित और यहाँ पे देखिए उसके बाद में जस्टिस न्यायाधीश के रूप में आते हैं क्या रोल प्ले करता है क्या विशेषताएं वो बताया उसके बाद में लास्ट सीन आ जाता है जो सॉरी सिक्स एज आती है उसमें क्या होता है किस टाइप से रोल प्ले मस्करे का होता है पेंटलोन का और उसके बाद में लास्ट सीन ऑफ ऑल अंतिम दृश्य आता है सेकेंड चाइल्ड के तौर पर दूसरा बचपन जिसमें हम सब कुछ खो देते हैं ये सात अवस्थाएँ उसमें विशेषताएँ याद रखनी है ठीक है और इसमें भी स्पेशली सोल्जर सैनिक और स्कूल बॉय जो है या सॉरी जस्टिस ठीक है इसमें देखना है एक तो आपको सोल्जर की जो एज है और दूसरी जस्टिस दो इनकी जो विशेषताएं हैं वो आपको स्पेशली याद रखनी है और अवस्थाएं कितनी है सेवन स्टेज कौन सी है सेवन एजेस कौन कौन सी है सात अवस्थाएं तो वो आपको एक याद रखना है ठीक है अच्छा फर्स्ट स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज इज़ कंपेयर टू लास्ट स्टेज फर्स्ट और लास्ट स्टेज जो है इसको आपस में सिमिलर माना गया है कि ये समान है एक दूसरे से तुलना करते हुए सेम है कि जैसे फर्स्ट स्टेज में जो बच्चा होता है हर तरह से दूसरों पर निर्भर होता है तो लास्ट स्टेज में भी आदमी सेम इस टाइप से हो जाता है तो ये इसमें, इसमें बताया गया है ये खास जो प्रश्न बनते हैं स्पेशली और पूरे संसार को क्या कहा गया है कि द ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज पूरा संसार एक स्टेज है रंगमंच है ये विलियम शेक्सपियर ने कहा है एज यू लाइक इट जो एक प्रकार से नॉवल है उसमें जैक्स नाम का कैरेक्टर है जो मोनोलॉग के माध्यम से कहता है लेकिन लिखने का काम विलियम शेक्सपियर ने किया है इस प्रकार से ये हमारी जो कविता है सेवन एज ये जो मैन बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ी पूरा विश्वास है कि आपको याद भी हुई है प्रश्नोत्तर भी याद हो गए हैं और आप बिल्कुल सही उत्तर याद कर लिया और लिखेंगे भी बिल्कुल सही अब हम बढ़ते हैं हम आज के हमारे जो वर्ड्स है उसमें लेकर के तो मैं आपको दो शब्द दे रहा हूं एक तो दे रहा हूं मातृभूमि दूसरा दे रहा हूं सीमा ये तो आपको इंग्लिश में इसमें बताने हैं दूसरे जो है एक का है ब्यूटीफुल सेकेंड इज इस हैंडसम इसका आपको बताना है ठीक है इसके बारे में आप बताएंगे टू वर्ड्स इंग्लिश इन और टू है दो है वो हिंदी में इस टाइप से आपको दिए गए हैं ये हमारी जो पोएम थी द सेवन एजज ऑफ मैन बाई विलियम शेक्सपियर उसको हमने पढ़ा और पूरे विश्वास से कहें कि समझ में आपको आई है मिलते हैं हम नेक्स्ट में और कोई नया टॉपिक लेकर के थैंक यू सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले अपेक्स क्लासेस एडुटेक सब्सक्राइब नाउ